ग्वालियर जिले के डबरा में कांग्रेस विधायक ने संभाली कमान। सुरेश राजे ने किया सैनिटाइजर दवा का छिड़काव। नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मिलकर किया सैनिटाइज। कहा, मेरी अपनी जनता की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य। आम जनता से सावधानी बरतने की अपील। खरगोन जिले के विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। केदार सिंह डावर ने मुख्यमंत्री को खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लिखा पत्र। खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग। खरगोन जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए मेडिकल कॉलेज को बताया जाता आवश्यक। बदनावर के वरिष्ठ अभिभाषक एवं समाजसेवी जीपी सिंह राठौर एवं उनके पुत्र अभिषेक सिंह राठौर आमजनों को निःशुल्क भोजन एवं खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। जरूरतमंद व्यक्ति की जानकारी मिलते ही राठौर परिवार उनके घर भोजन एवं आवश्यक खाद्य सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं। कोई भी पीड़ित परिवार इस भीषण संकट में भूखा न सोए, इस उद्देश्य को लेकर अभिषेक सिंह राठौर द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपील भी की। खरगोन जिले के सनावत नगर विधायक सचिन बिरला ने मंगलवार को क्षेत्र के गंभीर कोरोना मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन प्रदान कर रहे मानवता प्राणवायु वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक बिरला ने केंद्र को 5000 रुपए भी प्रदान किए। विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान क्षेत्र के गंभीर कोरोना मरीजों को केंद्र ने लगभग 125 ऑक्सीजन सिलेंडर का निःशुल्क वितरण कर मानवतापूर्ण कार्य किया है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम ही है। बड़वानी जिले के राजपुर में बनाया कोविड केयर सेंटर। मदद के लिए आगे आने लगे लोग। नगर की बेटी का सराहनीय कदम। कोविड सेंटर को पानी गर्म करने की मशीन की भेंट। इलेक्ट्रिक मशीनें भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी के मार्गदर्शन में SDM वीर सिंह चौहान को भेंट की। कोरोना मरीजों को इलाज में मिलेगी सुविधा। बैरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैलने की चिंता के बीच गाँव में कोरोना से बचाव के प्रयास तेज हो गए। फंदा गाँव में तैयारियां जोरों पर है। जहाँ फंदा स्वास्थ्य केंद्र पर RT-PCR टेस्ट शुरू किया गया है, वही बॉयज छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 25 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। साथ ही शासकीय स्कूल में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के सेकंड डोज को भी व्यवस्था की गई है। विदिशा में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराया। सोराई में रहने वाली महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। 150 परिवारों पानी के लिए हो रहे परेशान। खाली बर्तन लेकर नगर पालिका दफ्तर पर किया प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। आंध्री नगर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर परिषद ने पिछले दिनों सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। जिसके क्रम को जारी रखते हुए अमले के साथ CMO सारिफ कोशर ने नगर परिषद अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालय व बाजार की विभिन्न गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब लोग भजन कीर्तन हवन यज्ञ आदि का सहारा ले रहे हैं, जिससे कि इस महामारी से मुक्ति मिल सके। इसी क्रम में धार जिले के ग्राम पिपलिया में हनुमान मंदिर पर ग्रामीणों द्वारा हवन किया गया एवं इस कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की गई। कोरोना महामारी के खिलाफ महादेव की उपासना। भीतरवार में धुमेश्वर धाम के महंत अनिरुद्ध धवन महाराज ने कोरोना से निजात पाने के लिए कुशा अभिषेक एवं सहस्त्र वार्चन किया। भगवान भोलेनाथ से कोरोना महामारी हराने की प्रार्थना की। ग्वालियर सहित भीतरवार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। भिंड जिले के गोरबी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। बैठक में SDM तहसीलदार पुलिस अधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिक मौजूद। आम जनता से सादगीपूर्ण ईद मनाने की अपील। घर में रहकर करें ईद की विशेष नमाज अदा। मस्जिद में 5 लोगों को नमाज अदा करने की छूट। कोरोना के चलते प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू किया है घोषित। मध्य प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस विधायक नीलय डागा द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान आमजन की सहायता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को विधायक नीलय डागा ने डागा फाउंडेशन की ओर से 1400 PPE किट जिला अस्पताल पहुंचाकर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा और RMO एवं कोविड सेंटर प्रभारी डॉक्टर रानू वर्मा को सौंपी।